आज आप सोच रहे होंगे कि टेबल पे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, भिंडी एंड प्याज। अब इसी से पहचान लीजिए हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याजा, दो प्याज और भिंडी, बन गई भिंडी दो प्याजा। इतना आसान नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत बुरा लगता हूँ ये सब जोक्स वोक्स मारते हुए, बट थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा आपको। तो हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याजा, वो आएगी इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने जा रहा हूं जो बहुत ही प्यारी और बहुत आराम से बन जाएगी, भिंडी दो प्याजा। अब इंट्रो से पहले जो मजाक कर रहा था उसके लिए माफी, बट अब हम रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं। तो भिंडी दो प्याजा के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक मसाला जो प्याज टमाटर का बनेगा। तो मसाले की तैयारी शुरू करते हैं, उसके लिए कढ़ाई गर्म और कढ़ाई में घी। अब क्यों, एज आई ऑलवेज से, अन्नेवा, क्योंकि घी अन्नेवा नहीं होगा ना तो घी रोगन बन के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, और ऊपर फ्लोट नहीं करेगा तो स्वाद नहीं आएगा, और अगर स्वाद नहीं आएगा तो आप ये नहीं कह पाएंगे वाह क्या स्वाद है। अगर ये बोलना है तो क्यों अन्नेवा, ठीक है। अब घी गर्म होते ही हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, साथ ही धनिया, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च तोड़ के, एक तेज पत्ता तोड़ के, एंड दो इलायची। अब डाल देंगे अनियन प्यूरी। अब दो प्याजा का मतलब यही होता है कि प्याज दो फॉर्म में यूज हो रहे हैं, एक अनियन प्यूरी के फॉर्म में एंड एक अनियन पेटल की फॉर्म में। तो ये प्यूरी डालने के बाद इसको करना है ब्राउन। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ताकि प्याज की कुकिंग तेज हो जाए और प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। अब इस समय आपका सबर अच्छी तरह दिखेगा, क्योंकि अच्छी तरह भुनाई करनी है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट जो स्वाद आएगा ना वो लाजवाब होगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह। अब इस स्टेज पे गैस करेंगे स्लो और डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिली, अब एक मिक्स। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली को पकने देंगे और मीनवाइल कर्ड का मसाला मिक्स बना लेते हैं। उसके लिए कर्ड, कर्ड के साथ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर भर भर के, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इस सब को मिक्स कर लेंगे। अब दही डालने से ना दो फायदे होंगे, एक तो रजाइयत मिल जाएगी एंड सेकेंडली बाइंडिंग आ जाएगी, इसीलिए हम दही डाल रहे हैं। और दही को अच्छी तरह फेंट ले पैन में डालने से पहले, अगर फेंटेंगे नहीं, लम्स होंगे तो दही के फटने के बहुत सारे चांसेस है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के एक मिक्स। अब डालेंगे दही। अब दही डालने से पहले पानी इसलिए डाला था ताकि टेम्परेचर नीचे आ जाए और दही फटे ना। अब दही डालने के बाद चलाना नहीं छोड़ना, अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो दही के फटने के चांसेस पक्का पक्का है। अब जैसे ही मसाले के ऊपर घी फ्लोट करने लग जाए ना, मतलब दही पक चुकी है, अब हम टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट और एक मिक्स। अब टमाटर और सॉल्ट डालने के बाद ना इसको ढक देंगे और स्लो पे पकाएंगे।
अब जब तक मसाला पक रहा है, मेन वाइल हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी फ्राई करने के लिए मैंने इसका टॉप और बॉटम ट्रिम कर रखे हैं और बीच में से एक स्लिट मार रखी है। तेल गर्म होना चाहिए मीडियम तक और उसमें भिंडी फ्राई करनी है। अब तेल गर्म होने देते हैं और उसके बाद भिंडी फ्राई करते हैं। भिंडी फ्राई कर लिया, अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज काटेंगे पेटल्स में और उसके बाद भिंडी और प्याज दोनों एक साथ मसाले में डाल देंगे। अभी प्याज की पेटल काट ली है। जो रेस्टोरेंट स्टाइल दो प्याज़ा ग्रेवी होती है ना, उसमें पेटल्स यूज होती हैं और ये जो कोर होता है प्याज का, ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है या अनियन प्यूरी में या चटनी में यूज हो जाता है। हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम सिंस घर में बना रहे हैं तो हम सारी चीजें डाल देंगे ना, वेस्ट क्यों करना है, फ्लेवर ही तो आ रहा है ना। तो डाल देते हैं, साथ ही भिंडी भी डाल देते हैं ग्रेवी में। पहले ग्रेवी का हाल देख लेते हैं। मसाला क्या लाजवाब हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। इसको करेंगे एक फाइनल बार सीजन। अब इसको ढक देंगे और मसाले के साथ भिंडी को पकने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर भिंडी में रच जाए। ग्रेवी मस्त हो रखी है। अब इसमें लास्ट फ्यू टचेस, दैट इज कस्तूरी मेथी। अब ग्रेवी थोड़ी सी लिप्टमी टाइप होनी चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, थोड़ी कोटिंग टाइप में, ठीक है। और ये जो कोटिंग कंसिस्टेंसी बनी है, ये बनी है दही की वजह से और जो आपने प्याज अच्छी तरह पकाए थे उस वजह से। अब एक फाइनल चीज, डेट इज धनिया। धनिया के बगैर ये दो प्याजा रेसिपी इज इनकम्प्लीट, इसीलिए धनिया और ढेर सारा। अब ये भिंडी दो प्याजा रेसिपी डन है। अब प्लेट करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। Just look at this beauty! भिंडी दो प्याजा रेसिपी आपके पास है। अब मैं जोश में इसीलिए हूं क्योंकि भिंडी की इससे खूबसूरत रेसिपी नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है, बट अभी इस टाइम पे ना जो नीड ऑफ द आवर है, भिंडी दो प्याजा। क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मध्यम मध्यम सी, और मध्यम मध्यम सी बारिश में ना ये स्पाइसी स्पाइसी सी रेसिपी जरूरी है। तो जब भी आपके घर बारिश हो रही हो तब ये जरूर बनाएं और फोटो इंस्टाग्राम पे डालना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।